हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो। द वर्ल्ड कप फीवर इज ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड टुडे वी विल डिस्कस एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 15 पॉइंट्स दैट आई हैव सेग्रीगेटेड फॉर यू। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। We will keep this discussion mixed in Hindi and English for better understanding of our viewers. So, starting from the first point, that is the number of teams. इस tournament में 10 टीमें खेलेंगी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड शामिल है। ये पहली बार हो रहा है जिसमें वेस्ट इंडीज किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द टॉप 8 out of 13 sides in the Super League qualified for the World Cup automatically as per the rules, and the host who finished 4th in that league were guaranteed a place, of course. And in June and July 2023, the bottom 5 teams of the Super League and top 5 associate teams competed in the ICC CWC qualifiers, in which Sri Lanka and Netherlands got a place for the World Cup. एंड उसमें वेस्ट इंडीज का काफी खराब परफॉर्मेंस था, जिसके बदौलत नीदरलैंड्स, जो वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन अच्छी चार टीमों को छोड़ के उनसे ऊपर क्वालिफाई हुए। सो इस कारण नीदरलैंड्स को प्लेस मिला। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट क्वालिफायर्स, नीदरलैंड्स एंड स्कॉटलैंड वर प्लेइंग द एलिमिनेटर, एंड जिसमें नीदरलैंड जीती एंड इट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप अलॉन्ग विथ श्रीलंका। कमिंग ऑन टू अ सेकेंड पॉइंट, दैट इज फॉर्मैट। फॉर्मैट इज ऑफ राउंड रॉबिन, इन विच ईच टीम विल प्ले द अदर टीम वन टाइम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। दिस विल बी द सेम फॉर्मैट जैसा 2019 वर्ल्ड कप में खेला गया था। 45 गेम्स होंगे इस टूर्नामेंट में, एंड उसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। जो लास्ट टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था उससे थोड़ा अलग फॉर्मेट है, क्योंकि उस टाइम 14 टीमें थी, उसके बाद उसमें क्वार्टर फाइनल्स हुए थे, देन सेमीफाइनल और फाइनल। सो उससे थोड़ा अलग है, बट इस बार 10 टीमें हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम थोड़ी टीमें बढ़ेंगी, जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी बढ़ रही है, शायद इसमें भी बढ़े तो थोड़ा कॉम्पिटिशन और अच्छा हो। थर्ड पॉइंट, कमिंग ऑन टू आर मैस्कॉट्स। सो ICC ने ऑफिशियली एक इवेंट में अनाउंस किया ऑन August 19, वेयर Under-19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन शेफाली वर्मा एंड यश धूल वर प्रेजेंट, कि द मैस्कॉट्स विल बी अ मेल एंड फीमेल डुओ नेम्ड टोंक एंड ब्लेज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फिक्शनल क्रिकेटिंग उटोपिया कॉल्ड क्रिक्टोवर्स। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनिक फीचर्स एंड ऑल्सो सिम्बलाइजेज बोथ जेंडर इक्वेलिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अवर फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द थीम सॉन्ग। प्रीतम चक्रवर्ती, जो एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है इंडिया के, उन्होंने बनाया दिल जश्न बोले। ऑल्दो इट अट्रैक्टेड सम क्रिटिसिज्म, बट आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन जो वो 2 या 3 सेकंड की ट्यून है, दैट विल बी प्लेड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग आउट्रो और इंट्रो ऑफ गेम्स। आई थिंक पीपल विल गेट यूज टू इट एंड आई एम पर्सनली लाइकिंग इट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So the common FAQs that are coming is what if the two teams are tied on same points? ये काफी बार हमने देखा है, because अब इतनी leagues हो रही है around the world, matches, if you see जो team ज़्यादा match जीतेगा that will be the first tiebreaker, otherwise net run rate will be the key. And another FAQ is will there be super over for ties? Of course this time सुपर ओवर होगा अगर मैच तय होता है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह नहीं होगा, जो एक काफ़ी स्टूपिड रूल था बाउंड्री काउंट का, इन माय पर्सनल ओपिनियन। इस वर्ल्ड कप में सुपर ओवर विल फॉलो इन केस ऑफ अ सुपर ओवर एंड अ टाइड मैच, और वो जब तक होगा जब तक रिजल्ट नहीं आता। व्हाट आर द डिफरेंसेस फ्रॉम 2019 वर्ल्ड कप? सो 2019 वर्ल्ड कप से एक मेन डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल अवेलेबल नहीं था, जो इस टाइम इंडिया में 2023 वर्ल्ड कप में होगा। और सेकंड रूल ये है कि इफ टीम डजंट कंप्लीट देयर ओवर्स इन टाइम, जो कि बहुत एक अच्छा रूल है, बिकॉज एक ODI 8 से 9 घंटे खिंच रहा है, हमने देखा है,
So if the team doesn't complete overs in time, they will be forced to have an extra fielder in the circle for the overs outside of stipulated time. Because in this fast moving world, we have seen shorter formats taking place and gauging and attraction. So उस चक्कर में थोड़ा सा ODI अपना charm खो रहा है and उसको curb करने के लिए एक ये rule लाया गया है. Schedule and time of games, I think this is one of the most important point of discussion. 2023 World Cup was originally scheduled to be played in February and March of 2023, but due to COVID, in July 2020, it was announced that इस साल का World Cup अक्टूबर नवंबर के time खेला जाएगा. World Cup में काफ़ी उतार चढ़ाव आए ऑर्गेनाइज कराने के time, क्योंकि पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया था. जब इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने के लिए मना किया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप आने के लिए मना कर दिया. बट उसके बाद हमने देखा सब चीज़ें कैसे अपने आप लाइन पे आते गई. पाकिस्तान चीफ रमीज राजा, जो पहले टाइप की धमकियां दे रहे थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, वो अब खुद वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो एक वो पॉजिटिव चीज़ है. इफ़ यू डिस्कस अबाउट द टाइम स्लॉट्स, सो वर्ल्ड कप गेम्स विल बी प्लेड, ODI गेम्स विल बी प्लेड इन टू टाइम स्लॉट, 10:30 AM IST एंड 2 PM IST, जिसमें कि 10:30 AM वाले गेम्स काफ़ी कम है आउट ऑफ सिक्स आउट ऑफ 48 टोटल. एंड मेजरली सारे गेम्स 2:30 को स्टार्ट होंगे. एंड वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, यानी कि आज, और इसके सेमीफाइनल 15 और 16 को खेले जाएंगे और फाइनल्स 19 को, जिसमें कि फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन पे एंड करने वाली टीम 15th को मुंबई में सेमीफाइनल खेलेगी एंड सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे एंड करने वाली टीम 16th को कोलकाता में खेलेगी. बट इसमें एक पॉइंट ऑफ कैच ये है कि इफ पाकिस्तान क्वालिफाइज फॉर द सेमीफाइनल्स, सो दे विल प्ले देयर मैच इन कोलकाता नो मैटर वॉट प्लेस दे एंड एट. एंड इफ इंडिया क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, दे विल प्ले देयर मैच इन मुंबई अनलेस एंड अनटिल दे मैच इज अगेंस्ट पाकिस्तान. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डिस्कशन इज ऑफ रिजर्व डेज, बिकॉज हमने देखा वार्म अप गेम्स को जिस तरह से वो अबैंडन या शॉर्टर हुए DLS सिस्टम के थ्रू. सो बोथ सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स हैव अ रिजर्व डे, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अगला पॉइंट है वेन्यूज का. होस्ट इस बार इंडिया होने वाला है, जो कि पहली बार है कि इंडिया अकेले क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करेगा. 1987 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ होस्ट किया था, 1996 में इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका ने साथ में होस्ट किया था, एंड 2011 में सबकॉन्टिनेंट में होने वाला था वर्ल्ड कप, बट लास्ट में पाकिस्तान में नहीं हुआ, बांग्लादेश और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ. बट इस टाइम 2023 में इंडिया अकेले वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है. So matches will be spread all over the length and breadth of the diversified country of India, from Dharamshala to Thiruvananthapuram and from Ahmedabad to Guwahati. Most jo high profile matches hai wo Ahmedabad mein khele jayenge, because of obvious reasons, better infrastructure, more capacity, and of course the atmosphere will be good. So ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो एक एशिस की बहुत पुरानी राइवलरी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड जो पिछले साल के फाइनलिस्ट थे, उनका ओपनर भी अहमदाबाद में होगा और जो फाइनल्स होगा वो भी अहमदाबाद में स्केड्यूल्ड है. आज के डिस्कशन का मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट जो है वो है ओपनिंग सेरेमनी का. ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इट वॉज कैंसल्ड बाई ICC एंड BCCI. र्यूमर्स थे कि उसमें रणवीर सिंह, तमन्ना भाटिया, वरुण धवन और सिंगर जैसे आशा भोसले, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे, बट वो कैंसिल हुआ और 4 अक्टूबर को खाली कैप्टन्स का फोटोशूट हुआ था और एक छोटी सी मीडिया आउटिंग थी फॉर कैप्टन्स. और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक प्रोग्राम होगा जस्ट बिफोर द फाइनल. So let's see how it goes. Talking about the prize money, so a total of $10 million is out for the prize money, and जिसमें कि $4 million जो है वो winner को मिलेंगे, $2 million for semi-finalist and so on. If we convert it into INR,
So ₹33 crore plus will go to winner, and similarly around 16 point some crores for runner-ups. Coming on to another point of discussion is streaming. So India में Star Sports एंड हॉटस्टार स्ट्रीम करेगा. टीवी के लिए स्टार स्पोर्ट्स है एंड मोबाइल के लिए हॉटस्टार, जो कि फ्री में होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द ब्रॉडकास्टिंग स्पेस. एंड अनदर पॉइंट इज हाउ द वार्म अप रिजल्ट्स वेंट. सो आई थिंक एवरी टीम हैड अ फेयर बिट ऑफ वार्म अप फॉर देमसेल्व्स जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. ऑल दो 3 to 4 games वर अबैंडन ड्यू टू रेन एंड 3 to 4 games वर शॉर्टेड ड्यूरिंग द रेन एंड DLS सिस्टम वॉज यूज टू कैलकुलेट द टारगेट्स. अमंग ऑल द टीम्स आई फील इंडिया एंड नीदरलैंड्स आर द टीम्स दैट डिडंट गेट एनी चांस ऑफ गुड वार्म अप. इंडिया के दोनों गेम्स अबैंडन हुए एंड नीदरलैंड का एक गेम अबैंडन हुआ एंड एक गेम ऑलमोस्ट उन्होंने 2020 खेला. सो आई थिंक नीदरलैंड ऑल्सो मिस द चांस ऑफ हैविंग अ गुड वार्म अप. 15th एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हु आर द फेवरेट फॉर दिस वर्ल्ड कप. सो आई थिंक नो टीम इज फेवरेट, और यू कैन से ऑल द टीम्स आर फेवरेट. दिस इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फॉर विच वी कैन से दिस, एंड बिकॉज यू कैन सी इंग्लैंड वॉन द टाइटल इन 2019 एंड सिंस 2015 दे आर प्लेइंग सम रिडिकुलस व्हाइट बॉल क्रिकेट. सो दे आर रेडी टू डिफेंड देयर टाइटल. इंडिया इफ यू टॉक दे आर द फेवरेट्स टू विन इन ईच एंड एवरी टूर्नामेंट. ऑल दो दे आर नॉट गेटिंग देयर बॉक्सिस टिक इन टूर्नामेंट्स लेटली, बट आई थिंक इन दिस टाइम ऑल द प्लेयर्स आर फिट एंड रेडी टू टेक द ट्रॉफी होम. पाकिस्तान इफ यू टॉक अबाउट दे वर द नंबर 1 ODI रैंक टीम जस्ट अ फ्यू डेज अगो, जस्ट बिफोर इंडिया टुक ओवर द स्पॉट फ्रॉम देम. न्यूजीलैंड आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इफ ICC टूर्नामेंट्स एंड स्पेशली वर्ल्ड कप्स आर कंसिडर्ड. ऑस्ट्रेलिया एंड वर्ल्ड कप इज अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी. साउथ अफ्रीका हैव प्रॉपर मैच विनर्स एंड यू नेवर नो इफ दे क्वालिफाई इजली. आई विल बेट माई हाइएस्ट अमाउंट ऑन साउथ अफ्रीका इफ यू आस्क माई पॉइंट ऑफ व्यू. कमिंग ऑन टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आर द डार्क हॉर्सेज इन दिस टूर्नामेंट. वी सॉ इन द वार्म अप गेम वॉट डिस्ट्रक्शन दे कैन कॉज. बांग्लादेश आर एब्सोल्यूट फ्रीक्स इफ यू टॉक अबाउट देम प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट. श्रीलंका एंड नीदरलैंड्स आर कमिंग हेयर आफ्टर विनिंग द क्वालिफायर्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एंड हैव अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. सो आई थिंक द मोटिवेशन इन द स्क्वाड्स विल बी हाई, एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि इस बार वर्ल्ड कप के लिए कोई भी टीम फेवरेट नहीं है, या आप कह सकते हैं सारी टीमें फेवरेट है. सो ये थे हमारे टॉप 15 FAQs फॉर द वर्ल्ड कप 2023. इसके अलावा आपके अगर कुछ FAQ है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. वी विल रीच आउट टू यू, आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे. आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई. जाते जाते बस आपके सामने एक सवाल रख के जाऊंगा कि क्या आपको लगता है इस बार वर्ल्ड कप में हमको नया चैंपियन मिलेगा या नहीं, कमेंट करें जरूर.